हेलो गाइस, वेलकम टू सुनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लिए वो हॉलिडे होमवर्क है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि आपको अपना हॉलिडे होमवर्क कैसे सॉल्व करना है। और ये जो मेरे पास हॉलिडे होमवर्क जो है, ये क्लास फिफ्थ का है ये। और किस स्कूल का ये हॉलिडे होमवर्क है? सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल। सेशन हो गया 22-23। इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप अपने हॉलिडे होमवर्क कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मैगज़ीन। हर स्कूल का अपना एक एक मैगज़ीन होता है, एवरी स्कूल का। एनुअल स्कूल मैगज़ीन 2023, यानी 23 में जो आपका मैगज़ीन स्कूल के थ्रू से बनकर रेडी होगा, उस मैगज़ीन के लिए आपको क्या टास्क दिया गया है हॉलिडे होमवर्क में? Choose a topic of your choice and write an article या poem in English or Hindi in your own creative way. You can also draw या make a cartoon sketch on any topic. तो इस एक ऐसा आप टॉपिक लेंगे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, चाहे वो आर्टिकल के रूप में हो सकता है या पोएम के रूप में या कोई भी मीडियम, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। खुद की रचना होनी चाहिए और उस पोयम या आर्टिकल के थ्रू आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे। और वो काफ़ी डिफरेंट हुआ, काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ, क्रिएटिव हुआ, तो वो आपका स्कूल का जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन के लिए वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो आर्टिकल या पोयम जो भी लिखेंगे। इसके साथ ही आपको ड्रॉ या कार्टून स्केच करना है किसी टॉपिक पे, चाहे जो पोयम आर्टिकल लिखे उससे रिलेटेड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं या स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनी वेयर, ऑरिजिनल कंटेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर सेलेक्शन। मतलब कहीं और से आपको कॉपी नहीं करना है, अगर खुद की आपकी वो क्रिएटिविटी है तो वो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा सेलेक्शन के लिए। सबमिट इट टू द रिस्पेक्टिव इंग्लिश और हिंदी और आर टीचर ऑन 16 June 23rd व्हेन स्कूल रीओपन्स आफ्टर वैकेशन। वैकेशन आपका 15 जून को ख़त्म हो रहा है और 16 को आपको क्या करना है कि आप अपने इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर या आर्ट टीचर को आप ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैगजीन से रिलेटेड हो गया गाइस, काफ़ी अट्रैक्टिव आपका आर्टिकल है या पोएम है तो वो आपका स्कूल मैगज़ीन में पब्लिश होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंप्यूटर, कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो इसमें आपको क्या करना है? गो थ्रू द स्कूल वेबसाइट, स्कूल का यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है एंड फाइंड आउट द मिशन एंड विजन ऑफ आवर स्कूल एंड पेस्ट इट इन अ A4 साइज वाइट कलर पेपर। तो क्या करना है, कंप्यूटर में क्या प्रोजेक्ट मिला है आपको, आपके स्कूल के वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पे फाइंड आउट करना है मिशन एंड विज़न ऑफ स्कूल। तो स्कूल, आपके स्कूल का मिशन क्या है, विज़न क्या है एंड उससे आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे A4 साइज़ पेपर में, चाहे वो पेपर वाइट हो या कलरफुल हो। उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपको अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर आपको उस A4 साइज पेपर में पेस्ट करना है। टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द पेज, यानी कि पेज के कॉर्नर साइड में, टॉप राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मेक अ वेदर रिपोर्ट ऑफ रांची फॉर 7 days इन अ टेबुलर फॉर्म इन A4 साइज पेपर। तो सोशल साइंस के लिए क्या प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वेदर रिपोर्ट आपको, रांची का वेदर कैसा है, तो रांची के वेदर के ऊपर आपको रिपोर्ट एक रेडी करना है 7 days का, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, और पेपर का साइज़ क्या होगा, A4 साइज़ पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिवीजन फॉर क्लास टेस्ट 1। तो यानी आपका स्कूल जैसे ही रीओपन होगा तो आपका क्लास जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, सोशल साइंस का चैप्टर 1। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, साइंस में आपको क्या हॉलिडे होमवर्क मिला है, टेक सम ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स
कट आउट पिक्चर्स ऑफ थ्री एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल। यानी आपको न्यूज़पेपर्स या मैगजीन से क्या करना है, आपको कुछ पिक्चर्स कट करने, किसके पिक्चर्स, एनिमल्स के, और थ्री कॉलम्स बनाना है। मेक थ्री कॉलम्स इन एन ए फोर सीट ऑफ पेपर एंड पेस्ट दिस पिक्चर्स, मेंशन देयर ऑर्गेन ऑफ मूवमेंट, ब्रीथिंग एंड फीडिंग हैबिट्स। मतलब साइंस में आपका जो प्रोजेक्ट है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या आपके स्कूल के जो प्रीवियस क्लासेस के जो बुक्स होंगे, उसमें से कुछ पिक्चर्स आपको, एनिमल्स के पिक्चर्स आपको कट करना है, और कट करने के बाद आपको ए फोर साइज पेपर में उसे पेस्ट करना है। तो ये एनिमल्स को थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड एनिमल, एक्वेटिक यानी वाटर एनिमल, एरियल यानी एयर एनिमल। तो इस टाइप के आपको थ्री कॉलम्स बनाना है, और आपको ये सारे थ्री टाइप्स के एनिमल्स को पेस्ट करना है। मेंशन देयर ऑर्गेन ऑफ मूवमेंट, और फिर इसके बाद उसके मूवमेंट जो ऑर्गेन है वो आपको उसमें लिखना है। ब्रीथिंग एंड फीडिंग हैबिट्स, और कैसे ब्रीथिंग करती है, इसकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, ये भी आपको उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, पेस्ट करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, प्रिपेयर लेसन वन प्लांट्स ग्रोइंग इन नंबर फॉर क्लास टेस्ट। फिर इसके बाद आफ्टर वेकेशन आपका साइंस में भी टेस्ट होने वाला है, चैप्टर वन, चैप्टर नेम इज़ प्लांट्स ग्रोइंग इन नंबर। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ड्रॉ या पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी फाइव कार्स एंड राइट देयर कॉस्ट्स। यानी ड्रॉ कीजिए या फिर पेस्ट कीजिए पिक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट कार्स का, और फिर सारे कार्स का क्या करोगे आप, ए फोर साइज पेपर में कार जब उसका पिक्चर पेस्ट कर लोगे तो सबका कॉस्ट लिखोगे कि कार की कॉस्ट क्या है। जैसे सपोज डैट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से आपको कार का कॉस्ट आपको वहाँ पे मेंशन करना है। विच ऑफ दीज कार्स रन ऑन पेट्रोल डीजल बैटरी। उसके बाद साथ ही आपको ये भी मेंशन करना है कार्स की कॉस्ट क्या है, और वो कार किससे रन करती है, पेट्रोल से करती है या डीजल से या बैटरी से रन करती है। नेक्स्ट, अरेंज दीज कार्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइसेस। और असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल टू बिग, जो सबसे कम रेट की जो कार है वह पहले पेस्ट करेंगे। मान लीजिए सपोज रेट अगर 10 लाख की है तो कार पेस्ट होगा 10 लाख वाली, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे करके आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है हाउ कैन यू अवॉइड पॉल्यूशन वाइल यूजिंग अ कार। फिर उसके बाद आपको ये भी मेंशन करना है कि पॉल्यूशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं जब कार यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको होमवर्क समझ में आ गया है, या तो ड्रॉ कीजिए या पेस्ट कीजिए पिक्चर्स किसी भी कार का, और सारे कार के कॉस्ट आपको लिखना है, और फिर रन किस पे करता है वो, मतलब पेट्रोल पे, डीजल पे, बैटरी पे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में सारे प्राइसेस आपको वहाँ पे प्राइसेस आपको लिखने हैं कार के, और फिर पॉल्यूशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं जब आप कार ड्राइव करेंगे उस ड्यूरेशन में। तो ये होमवर्क हो गया मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, एक पौधे का चित्र बनाए एवं उसके पत्तों में स्वर वर्ण अ से अ तक लिखना है आपको। दूसरा, एक वृक्ष का चित्र बनाए तथा उसमें व्यंजन वर्ण के 5 वर्गों को लिखना है, जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग। नेक्स्ट है पढ़ाए गए पाठों 1 और 2 के मौखिक और लिखित अभ्यास करें। यानी जो भी पाठ आपको स्कूल में 1 और 2 पाठ कराया गया है उसे आप रिटन और ओरल वे में प्रैक्टिस करके लर्न करना है। नेक्स्ट जो आपका पेपर है हिंदी, अपने शब्दों में कहानी लिखिए जिसमें स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दर्शाया गया है, एवं कहानी में आए संज्ञा सरनाम शब्दों को रेखांकित करना है। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, और उस कहानी में जितने भी संज्ञा सरनाम शब्द हैं सबको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है पढ़ाए गए पाठों के प्रश्न उत्तर याद करें एवं लिखित अभ्यास करें। यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में स्कूल में जो भी चैप्टर्स आपको क्लियर कराया गया है सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करना है,
लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंग्लिश, इंग्लिश में क्या करना है, प्रोजेक्ट मिला आपको, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ मैन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लूज, एक मैन का पिक्चर बनाना है, यहाँ पे कुछ क्लूज दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग, डिस्क्राइब बाय मिस्टर शर्मा टू हेल्प द पुलिस आइडेंटिफाई द स्ट्रेंजर इन एन ए फोर साइज पेपर। ए फोर साइज पेपर आपको लेना है एंड उसमें आपको दिखाना है कि एक मिस्टर शर्मा नाम के एक इंसान है, किस तरह से वो पुलिस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे एक स्ट्रेंजर का। द क्लूज आर, क्या क्या क्लूज है, ही हैज़ बुशी आईब्रोज, यानी कि वो स्ट्रेंजर मैन की उसे पकड़वाने में हेल्प कर रहा है पुलिस की, मिस्टर शर्मा कर रहा है, तो क्या क्या क्लूज है, तो ही हैज़ बुशी आईब्रोज यानी कि उसकी आईब्रोज है काफ़ी बुशी है, लॉन्ग मुस्टेसेस और उसकी जो मुस्टेस यानी कि जो आपका मूछे है वो काफ़ी लंबी लंबी मूछे है, गॉट लाइक बियर्ड एंड अ बिग मॉल ऑन हिज लेफ्ट चिक, और बकरी की तरह उसकी जो दाढ़ी है और बिग मॉल ऑन हिज लेफ्ट चिक, और लेफ्ट गाल में उसका क्या एक बड़ा सा तिल है, हिज ईयर्स आर स्मॉल और उसके कान छोटे हैं एंड राउंड राउंड वे में हैं, हिज नोज इज शार्प, उसकी नाक काफ़ी शार्प है, ही वियर्स अ थिक गोल्ड चैन अराउंड हिज नेक, और उसने गले में एक मोटी सोने की चैन पहन रखा है, ही वियर्स स्ट्राइप टी शर्ट्स हैविंग टू पॉकेट्स, उसने स्ट्रिप्ड वाले टी शर्ट्स पहन रखे हैं जिसमें टू पॉकेट्स है। तो ये क्लूज है, तो इंग्लिश में क्या आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, ये आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है एक मैन का, और यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, क्लूज दिया गया है, मिस्टर शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो पुलिस आइडेंटिफाई में हेल्प कर रहे हैं, एक स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर का यहाँ पे क्लूज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो कि किस तरह से उसके आईब्रोज बुशी है, लॉन्ग मुस्टेसेस है, गॉड की तरह इसके बियर्ड है और उसके लेफ्ट चीक में बिग मोल है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखे ऑल सब्जेक्ट्स का कि सुरेंद्रनाथ सेंट्रल स्कूल में क्या क्या आपको सब वेकेशन में आपको हॉलीडे होमवर्क मिला है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।